इतनी मेहनत से हम पैसे हम कमाते हैं, पैसे पूरे ले लिए बंदे ने, 7-7.5 हज़ार रुपये का खर्चा आया टोटल मिला के। कैसे कैसे हम पैसे हम कमाते हैं, मैं स्विगी में नौकरी करता हूँ, बताओ मैं 10-10, 12-12 घंटे में, 13-13, 14-14 घंटे में काम करना पड़ता है, तब जाके हम पैसे कमाते हैं। ट्रैक्टर आवाज करता है, ट्रैक्टर का आवाज सुने कोई दम देख 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 देख। इस गाड़ी का काम किए हुए अभी मात्र 2 महीने हुए हैं, रॉकर केम टाइम चेन सबके सब खराब हो चुके हैं। चलो भाई साहब से पहले बात करते हैं, उसके बाद में फिर बतलाते हैं क्या क्या काम करवाया इन्होंने। आपने कब काम करवाया था इस बाइक का? 2 महीने पहले। 2 महीने हो गया, क्या क्या काम करवाया? आज आधी 3 इंजन का काम कराया था और धुआं भी दे रही थी गाड़ी। और अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? फिर वही प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम आ रही है। बिल भी पड़ा हुआ है। बिल भी पड़ा हुआ है, अच्छा दिखाने जरा बिल। ओके 7,310 रुपए का बिल है, बिल दिखाएंगे और बिल में जो सामान है ना वो सामान भी दिखलाएंगे और क्या क्या सामान डला है इनके सामने अभी प्रूफ भी करेंगे हम कि इनके साथ में कितनी बड़ी धोखेधारी हुई ना, इतनी तगड़ी इनके साथ में धोखा हुआ ना, अभी देख के तुम दंग रह जाओगे, चौंक जाओगे भाई। 7,310 रुपए बिल है और इसके अंदर में मैं पहले सबसे पहले तुम्हें दिखाता हूँ सामान क्या क्या डला हुआ, ठीक है? पैकिंग किट, ऑयल सील किट, इंजन ऑयल, क्रैंक असेंबली, मैन बेयरिंग, पिस्टन सेट, सिलेंडर बोर, वॉल, वॉल की सील, वॉल की ग्राइंडिंग, वॉल की गाइड, टाइमिंग चेन का पैड, हेड की रबर, क्लच का असेंबली, ऑयल्स, फिल्टर और वॉशिंग और ये लेबर चार्ज लगा रखे हैं, ठीक है? अब देखो भाई साहब इसमें आपने जो काम करवाया ना, मैं बात आपको दिखवाता हूँ, इधर आओ। आपने इसमें फुल इंजन काम करवाया, फुल इंजन का ही बिल है ये, ठीक है? 7,310 रुपए का बिल है, आपने फुल इंजन में काम करवाया हो इसमें। आपने इसमें डलवाया है क्रैंक वेरिंग, ये देखो क्रैंक जो है ना, ये देखो इतनी बुरी तरीके से ये खराब है ना, ये देखो इसका काम हुआ ही नहीं आपका, ठीक है? दूसरी चीज आपने पिस्टन नया डलवाया ना, पिस्टन देखो दोस्तों, ये देखो ये है इसका पिस्टन, ठीक है? पिस्टन दिखाता हूं मैं तुम्हें एक बार, पिस्टन का हालत देखो। और ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन का साइज है 0 नंबर का, 0 नंबर का साइज है पिस्टन। अगर इसके अंदर में अगर पिस्टन डला हुआ होता तो जाहिर से बात है 25 नंबर डला होता या फिर 50 नंबर या 75 या 100 नंबर डला हुआ होता ना, तो ये 0 नंबर का पिस्टन कैसे निकल सकता है? यानी कि इस बाइक में जो है ना पिस्टन तक नहीं डाला गया है, ये पिस्टन बिल्कुल 0 नंबर का हो। देखो इसकी हालत कैसे, 2 महीने में ऐसी हालत हो ही नहीं सकती, देखो। अगर बाइक में जो है जो नया जो पिस्टन होता है ना, सिलेंडर के नया होता है जो, उसके अंदर में 0 नंबर का पिस्टन लगा हुआ होता है, ठीक है? उसके बाद में जब हम इंजन काम करते हैं, अगर पिस्टन हम डालते हैं ना माल, और सिलेंडर किट पूरा आपने ब्लॉक तो डलवाया नहीं होगा, सिलेंडर पिस्टन लिखा हो, पिस्टन डलवाया आपने, तो उसके बाद में 25 नंबर डलता है या तो 50 नंबर डलता है या फिर 75 नंबर या 100 नंबर डलता है, लास्ट जाके 100 नंबर होता है, उसके बाद में सिलेंडर किट की लिमिट पूरी आती है, उसके बाद में फिर से नया सिलेंडर किट डलता है जब जाके 0 नंबर होता है। ये जो पिस्टन है आपका 0 नंबर का ही पिस्टन निकला है, यानी कि इसके अंदर में पिस्टन नया नहीं डला, और इससे आप देख भी सकते हैं इसकी हालत, पिस्टन नहीं डाला गया, ठीक है? अब इसके अंदर में बारी आई वॉल की, ये देखो वॉल जो है ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, वॉल इतने तरीके से ऊपर से दब चुके थे ना, इस तरीके से कि हमें ये घिसवा के निकलवाना पड़ा ये हेड से। ये वॉल की हालत देख लो, ये वॉल डाले गए हैं, एक्चुअली में ये गाड़ी के साथ के वॉल नहीं है, ये वॉल डाले गए हैं और ये इतने लोकल वॉल है ना कि पूछो मत, ये पूरा ना दब चुका था ये चीज, जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा आवाज, ठीक है? अब देखो इसके अंदर में पिस्टन भी पुराना है, क्रैंक का काम हुआ ही नहीं है। आपने अपने सामने काम करवाया था, पीठ पीछे काम करवाया था, छोड़ के चला गया था? अच्छा छोड़ के चले गए थे, मतलब कि। तो भाई ऐसा गंदा तरीके से काम कर रखा है ना इस बाइक में, पूरा का पूरा पैसा बस यूं समझ लो खा गया, कुछ सामान भी नहीं डाला है, पिस्टन नहीं डाले, क्रैंक का काम नहीं किया है, पता नहीं क्लच अभी खोल के देखें, क्लच की असेंबली लिख रखी है पूरी की पूरी, क्लच असेंबली 1300 रुपए लिख रखी है, ठीक है? क्लच अभी खोल के देखेंगे, टाइमिंग चेन भाई बहुत, भाई कुछ भी सामान नहीं डाला इसके अंदर में भाई, बस पैसे ले लिए इनसे, रिंगे उंगे डाला होगा तो डाला होगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ वॉल डाले, वॉल भी लोकल डाल रखे हैं, बिल्कुल घटिया कम क्वालिटी के डाल रखे हैं वॉल। कब काम हुआ है? 14/6/2023, 14/6/2023 यानी कि 2 महीने कुछ दिन हो गए हैं। तो भाई साहब आपके जो बाइक में है ये सामान और ये क्रैंक वरेंग, ये सारे के सारे पुराने ही है, कोई नया सामान नहीं डला आपके बाइक के अंदर में। अब हम इसका इंजन खोलेंगे प्रॉपर तरीके से, जब जाके काम होगा तभी आके जाके आपकी बाइक जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। ये भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना कि भाई क्या ऐसा मैकेनिक को करना चाहिए, कोई बंदा ट्रस्ट करके अगर आपके पास में जाता है तो क्या इतनी तगड़ी धोखेदारी करोगे क्या, बिल्कुल ही सामान नहीं डालोगे और इस वजह से पैसे ले लो, बिना सामान डाले पैसे ले लोगे क्या? भाई साहब को मैंने दिखा दिया, मैंने प्रूफ कर सकता हूँ, वो मैकेनिक अगर मेरे पास में आएगा ना मैं प्रूफ कर सकता हूँ।
कि हाँ इसके अंदर में ना पिस्टन डाला है, ना क्रैंक डाला, ना वॉल्व, कुछ भी नहीं डाला भाई सामान, बस पैसे ले लिया है। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। हो सके तो भाई अच्छी जगह से कराओ, नॉलेज अपने जानकारी वाले बंदे से कराओ, ऐसे खाऊ बंदे के पास ना मत जाया करो। कुछ मैकेनिक को बुरी लगेगी, और बुरी लगेगी ना तो भाई तुम ऐसा ही हो, इसलिए तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम ऐसा हो। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मैकेनिक ऐसा कर रहे हैं ना उनके लिए, और जिनको बुरा लग रहा है ना वो मैकेनिक ऐसे होंगे जब भी बुरा लगेगा। और आप ये लेके जाना, ठीक है, ये सामान आप लेके जाना, और उस मैकेनिक को दिखलाना कि तूने सामान, ये बिल भी रखना, ठीक है, ये सामान दिखलाना कि तूने सामान डाला, ये 25 नंबर, साफ साफ बोलना कि भाई कितने नंबर का पिस्टन डाला तूने। सबसे पहले ये पूछ लेना कितने नंबर का पिस्टन डाला, कितने नंबर का पिस्टन नहीं डाला, वो खुद ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें देखो 0 नंबर तो डाल नहीं सकता, जाहिर सी बात है 25 नंबर डालेगा या 50 नंबर डालेगा, 75 नंबर या 100 नंबर डालेगा, तो सीधा सिंपल बात है बोलना कि आपने पिस्टन कितने नंबर का डाला है मेरे पास में। ठीक है, एक बार जाना और पूछना उससे। भाई उस बंदे ने ना बहुत गलत किया, हम जो इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, पैसे पूरे ले लिए बंदे ने, 7,500 रुपये का खर्चा है टोटल मिला के, कैसे कैसे हम पैसे हम कमाते हैं। मैं स्विगी में नौकरी करता हूँ, बताऊंगा 10-10, 12-12 घंटे में, 13-13, 14-14 घंटे में काम करना पड़ता है, तब जाते हम पैसे कमाते हैं। तो उस बंदे ने इतना गलत किया मेरे साथ, मैं भरोसे पे छोड़ के गया था अपनी भाई, कुछ कर रहा ऐसे नहीं करना चाहिए ना, किसी के भरोसे को तोड़ दो तो अगली बार बंदा जाएगा, ऐसे मैं क्या नहीं कर रहा, कभी नहीं जाएगा यार। ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई किसी बंदे के साथ, खासकर जो डिलीवरी का काम करते हैं ना उनके साथ तो बिल्कुल भी मत जाएगा यार। ऐसा बंदे कहाँ कहाँ से मेहनत करके रोजी रोटी अपने रखा करते हैं, मत जाए। चलो कोई बात नहीं भाई, हम आपका काम करेंगे और बढ़िया से करेंगे, आपका काम सस्ते में भी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है।